भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदेश व्यापी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन में पुरुषों के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही और जिला अधिकारी को ही ज्ञापन सौंपने के नाम पर बवाल भी काटा, लेकिन अंततः मान मनोबल के बाद उप जिला अधिकारी सदर को ज्ञापन देकर वापस चले गए। प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के लोगों ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का पर्याय बताया और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसान बिल के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा जारी आंदोलन के दौरान किए गए वायदे को पूरा करने के बजाय वादा खिलाफी किए जाने का आरोप लगाया। रैली में मौजूद किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष किसान ने कहा कि सरकार किसानों के बिजली को मुफ्त करने का वादा किया था, लेकिन योगी सरकार बिजली बिल के नाम पर किसानों को प्रताड़ित कर रही है और खेतों में लगे नलकूपों पर जबरिया विद्युत मीटर ठोक रही है, जो देश के अन्नदाता किसान के साथ छल है। किसान, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर इस समय कार्यरत हूँ, भारतीय किसान टिकटपुर से। आज आज पूरे प्रदेश में यह टिकैत जी के द्वारा यह आह्वान किया गया कि हम हर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे कि हमारी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, उसको अवगत कराने के लिए। और इसका अगला कार्यक्रम, अगर हमारी समस्याएं जो हैं, अभी मैं बता रहा हूँ समस्याएं, उसको अगर नहीं पूरा होता है तो उसके लिए 18 सितंबर को हम लोगों का बृहद आंदोलन जो है लखनऊ में गार्डन में जो है होगा। तो यह जानकारी हम देने आए हैं, चूँकि जो 13 महीने हमारा धरना दिल्ली में चला था उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा गया था कि जो है हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और जो यह एमएसपी पे जो है गारंटी की बात थी, इसके लिए वो कमेटी गठित करने की बात कहे थे, लेकिन उस पर कोई जो है कदम नहीं उठाए। और सरकार के द्वारा कहा गया था कि किसानों की बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन उस पर भी किसानों को बिजली मुफ्त देने के बजाय अगर कहीं कनेक्शन लिया है किसान जो है मोटर चलाने के लिए, उसमें भी मीटर लगाए जा रहे हैं, तो उस पर लोग रोक लगाते हुए किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाए, यह भी हमारे मांग पत्र में है। और किसानों का जो है फसल तमाम जंगली जानवरों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, उस पर भी सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और किसान रात भर अपने खेत की रखवाली कर रहा है और तमाम जो है सांड हैं और तमाम जंगली जानवर हैं जो किसानों को मार भी दे रहे हैं, तमाम जो है इस तरह से सूचना आई है क्षेत्र से। तो इस तरह से तमाम समस्याएं हैं जिसको जो है हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो है यह चेतावनी देने आए हैं कि हमारी मांग 18 सितंबर तक के पहले जो है पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो हमारा बृहद आंदोलन जो है लखनऊ में जो है यूको गार्डन में होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी हैं कि हमारे एमएसपी पर जो है गारंटी दिया जाए, किसानों को बिजली मुफ्त किया जाए जैसा कि वादा किया सरकार के द्वारा, और जो है किसानों का फसल जो बर्बाद हो रहा है इस पर भी रोक लगाया जाए, जंगली जानवरों से जो किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। और जैसा कि यहाँ पर जो समस्या आ रही है कि इस बांसी तहसील में तहसीलदार नहीं है, नायक तहसीलदार भी नहीं है, इस तरह से जैसे तमाम काम बाधित हो रहा है जैसा यहाँ के लोगों को द्वारा बताया जा रहा है, तो इसको भी तत्काल यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। और जिले में जो है सूखा था, इस समय तो बरसात हो गया है, लेकिन तमाम किसान किसी तरह से अपना जो है फसल बचाए जो है, और तमाम बिजली विभाग के द्वारा जो है जाँच करके लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही थी, रात रात में जो है रोड मोटर का जांच किया जा रहा था जो है किसानों का। इस अत्याचार को बंद किया जाए, जो सरकार ने अपना वादा किया है
वादा के खिलाफ ही न काम करे, जो वादा किया है उसका उस पर अपना कायम रखे, किसानों को बिजली मुफ्त दे, किसानों को जो है एमएसपी पर गारंटी दे, और जिससे किसान कम से कम किसानी करके जो है अपने जीवन निर्वाह कर सके।